रोड पर पहले इंसान घूमते थे, अब बाघ घूमता है, तो जिम्मेदार कौन है? फॉरेस्ट। नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। रामनगर के आसपास विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से वन्य जीवों के आतंक से ग्रामीण काफी परेशान हैं। तो वहीं कुछ दिन पूर्व ग्राम सावलदे में रहने वाली दुर्गा देवी को बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। इसके बाद से ग्रामीणों का आक्रोश विभाग के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस हमलावर बाघ को पकड़े जाने के लिए ग्रामीणों द्वारा 5 दिन का समय विभाग के अधिकारियों को दिया गया था, लेकिन ये समय सीमा शनिवार की रात शाम बीत जाने के बाद भी अभी तक इस बाघ को पकड़ने में विभाग पूरी तरह नाकाम साबित रहा। हालांकि विभाग द्वारा बाघ को पकड़े जाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विभाग को सफलता नहीं मिल पा रही है। इसी बात को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने भी रविवार को विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए आत्मदाह करने की घोषणा की थी, लेकिन पूर्व ब्लॉक प्रमुख की इस घोषणा के बाद वन विभाग और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया और उन्होंने पूर्व ब्लॉक प्रमुख को काफी देर समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद रविवार की सुबह पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के घर के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और उनके घर के आसपास भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके कुछ देर बाद कोतवाल अरुण कुमार सैनी के साथ मौजूद भारी पुलिस बल ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी को गिरफ्तार करते हुए राहत की सांस ली। तो वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख की पत्नी मंजू नेगी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस और वन विभाग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पति लगातार लंबे समय से जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और आज भी उनके द्वारा जनहित की मांग को लेकर आत्मदाह करने की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक और सड़कों पर इंसान घूमते थे, अब उन सड़कों पर इंसानों का घूमना तो बंद हो गया है, बल्कि इन सड़कों पर बाघ घूम रहे हैं, जो कि भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि जनता के संघर्षों के लिए उनके पति का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इस बाघ को पकड़े जाने के लिए संघर्ष समिति द्वारा भी आज प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सावलदे पुल से लेकर झिरना गेट तक धारा 144 लगा दी गई और इस क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। नेगी जी ने 4-5 दिन पहले आत्मदाह की चुनौती दी थी कि मैं आत्मदाह करूंगा 4 तारीख को। प्रशासन को एक तरफ से मैं कहना चाहूंगी कि सारा जिम्मेदार प्रशासन है। अगर बाघ इंसान पहले रोड इंसान मतलब रोड पर पहले इंसान घूमते थे, अब बाघ घूमता है, तो जिम्मेदार कौन है? फॉरेस्ट, सरकार। अगर ये घटना होती ही नहीं तो नेगी जी आत्मदाह की चेतावनी देते ही नहीं कि मैं आत्मदाह करूंगा घर के। लोग कह रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन माइंड है, उनका राजनीति करते हैं, वो जनता से जुड़े हुए इंसान है। या आप लोगों ने सोचना चाहिए, वो हर इंसान के दुख और सुख में रहते हैं। देखते हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये चीज़ तो बंद नहीं होगी। पुलिस उनको पकड़ के ले गई है, कल शाम से उन्होंने छवनी बनाना स्टार्ट कर दी थी, पूरे घर पे आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर दिया था। आज सुबह से उन्होंने पुलिस फोर्स ला के घर के आगे खड़ी कर दी थी, आगे पीछे। बाघ का जो आतंक फिलहाल इसमें विगत 2-3-4 महीने से बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कि सबसे पहला वार जो है बाघ ने ढेला बिराज के एक लड़के पे किया था। वो लड़के का जीवन बिल्कुल बेकार हो चुका है। उस समय भी हम लोगों ने भी काफ़ी धरना प्रदर्शन करे, लेकिन सरकार ने उस समय उस प्रशासन ने किसी प्रकार का भी कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद ठीक उस लड़के के ऊपर जो वार हुआ, उसके बाद जो है फिर हाथी डंगर में एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। उसमें भी मतलब प्रशासन ने पिंजरे तक नहीं लगाए और आज तक वो बाघ पकड़ा नहीं गया। इसमें फिर उसके बाद कई घटनाएं चुकम गांव में हुई, सावलदे में हुई, उसमें नेगी जी ने बड़ा धरना प्रदर्शन करा हम सभी लोगों ने, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इसमें किसी प्रकार की भी कोई दिलचस्पी नहीं ली। हमें तो ये लगता है कि प्रशासन खुद इस बात को चाहता है कि लोग जो है जानवर इस तरीके से लोगों को मारते रहें ताकि लोग ग्राम वन क्षेत्रों को खाली करें। आज भी मतलब जो है इस मामले में एक हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम था तो सरकार ने अपनी मनमानी पूरी करने के लिए नेगी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हमारा भी प्रयास है कि अभी हम वहाँ पर जहाँ उन्होंने 144 लागू कर दिए, उससे हटके भी हम इस कार्यक्रम को करेंगे। जितना भी होगा लोगों के जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, उसमें हम हमेशा हमेशा नेगी जी के नेतृत्व में संघर्षशील रहेंगे। खबरों को देखने के लिए आप बने रहे न्यूज 31 उत्तराखंड पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।